ये ऐसा पहली दफा उस एरिया में हो रहा है, तो लोगों में ये पैनिक क्रिएट हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आर्मी का मूवमेंट वहाँ पे गया है, आगे डिप्लॉय हो रहा है, तो उससे गांव गांव को ये चिंता हो रहा है कि आज तक ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं है, 1962 के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है। भारत आणि चीनचं सैन्य लाईन ऑफ ॲक्च्युअल कंट्रोलवर आमनेसामने आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. लडाख भागातल्या गलवान खोऱ्यात ही सैनिकी हालचाल सुरू आहे. दोन्ही बाजूच्या सैन्यांनी सीमेवर जवानांची संख्या वाढवली आहे आणि गस्तसुद्धा वाढली आहे. भारत आणि चीन दोघांचाही आरोप आहे की विरोधी सैन्याने सीमा ओलांडली आहे. हमारा वहाँ पे कम से कम 7 गांव है जो आज की डेट में उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके मैं बहुत कंसर्न हूँ। जो गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास में, पास के गांव है और इतना दूर भी नहीं है। जहाँ पे ये आर्मी के साथ फेस ऑफ हो रहा है उस एरिया से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज की डेट में जो ना मैं बॉर्डर में जो ना काफ़ी लैंड जो ना इंक्रोचमेंट हो रहा है. रिसेंटली 2014 में जो ना वहाँ पे जो ना चुमूर गाँव तक जो ना वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है. तो उस हिसाब से जो ना हमारे लोग वहाँ पे अपना जो टेरिटोरी में ग्रेजिंग के लिए जाने नहीं देगा. तो मेरे ख्याल में जो पहले तो 1 फुट 1 इंच करके जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, आज के डेट में जो ना किलोमीटर के हिसाब से इंक्रोचमेंट करके ले रहा है. तो उस हिसाब से हमें बॉर्डर के लोग रहने वाले जो ना फिर हमारा वहाँ पे रहना तो बहुत मुश्किल है. आज के डेट में जो ना पंगोंग साइड और ये जो गलवान रिवर साइड में क्या क्या होने जा रहा है, उसी तरह जो ना डेमजोंग और चुमोन में भी कभी भी हो सकता है. इसलिए हमें बहुत डर है. हमने इस सिलसिले में इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने इस पे कमेंट करने से मना किया। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि रेजिंग एरिया श्रिंक हो रहा है, लेकिन ना कि चाइनीज इंक्रोचमेंट की वजह से, बट जो पॉपुलेशन ग्रोथ उस एरिया में हो रहा है उस वजह से ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो रहा है, और जिसके साथ साथ जहाँ पे वहाँ पे जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन आर्मी वहाँ पर तभी तक प्रेजेंट रहेगी जब तक ऑपरेशनल काम चलेगा, उसके बाद इंडियन आर्मी उस एरिया से निकल जाएगी। यापूर्वी सुद्धा दोन्ही देशांदरम्यान सीमेवर असे चकमकीचे प्रसंग घडलेले आहेत. डोकलाम भागात 2017 उडालेली चकमक काही महिने चालली होती. या ताज्या प्रसंगांमुळे काही तज्ज्ञ मात्र सतर्क झाले आहेत. हमारे जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है हमारे मतलब लाइफ टाइम में. तो 60 तो होंगे, तो हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम पे. छोटे मोटे होते रहे हैं, जैसे देपसंग में हुआ, चुमर में हुआ, और हमारे ये जो पेंगोंग लेक में तो बार बार होते रहता है हर साल छोटा मोटा. लेकिन एक पैटर्न ये रहा है कि वो किसी का एक वजह लेके वो बड़ा घुसते हैं कि आपने कुछ ये बनाया है, उसको डेमोलिश करो, उसको निकाल दो, फिर हम पीछे हटेंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह का बात है अभी कि कुछ बातचीत से पीछे हट जाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि भारत के गवर्नमेंट भी, सरकार भी काफी वेल प्रिपेयर्ड है. चीनने भारताशी चर्चा सुरू असल्याचं आणि सीमा भागातील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं म्हटलंय. चीनवर आधीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दडपण आहे, पण सध्या सीमा भागात राहणाऱ्या स्थानिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झालाय. कारण बरेचसे लोक पशुपालनावर जगतायत, पण तेच सध्या बंद आहे.